तो कोटेश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बगल में है गौमुख है, ये स्वयं को सरस्वती बोली जाती है। माँ भगवती जो 60 मुख बताए अपने महाभारत में, जो पुराणों में बताए हैं, उसका 60 मुख में से उत्तर गुजरात में 2 मुख है, एक मुख कोटेश्वर महादेव और एक सिद्धपुर मातृ गया है। हाँ, तो यहाँ एक केव भी है, वाल्मीकि जी की केव, और ये टेम्पल है पीछे, और यहाँ केव है। हाँ, तो अभी मैं हूँ अंबाजी में, और ये हमारा दूसरा दिन है अंबाजी में। हमने चेकआउट कर लिया है हमारी धर्मशाला में, कल हम आए थे कल सुबह में। बहुत सारे प्लेसेस को हमने एक्सप्लोर किया एक दिन में। हमने यहाँ का टेंपल देखा, यहाँ के गब्बर को एक्सप्लोर किया, गब्बर की परिक्रमा की जो एक नया अट्रैक्शन है। गब्बर पे हमने लेजर शो देखा, वो भी एक नया अट्रैक्शन है। और दूसरा क्या देखा, एक अनएक्सप्लोर प्लेस देखा है, वो सारे ब्लॉग ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। ये ब्लॉग देखने से पहले आप वो ब्लॉग पहले देख लीजिए। और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कुछ नियर बाय प्लेसेस को जो अंबाजी के नज़दीक में है, अराउंड 10 किलोमीटर में। तो आज के ब्लॉग में हम वही सारे प्लेसेस को कवर करेंगे। अभी और एक या दो ब्लॉग आएंगे और वो सारे प्लेस मैं उसमें कवर करूँगा। हाँ, तो कल जो भैया हमें घुमाने ले गए थे उनको ही बुला लिया है। तो भैया थोड़ा बता दो, आज कौन कौन से प्लेस हम कवर करने वाले हैं? आज अभी पहला प्लेस आएगा कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है उसको। हाँ। फिर उसके बाद आएंगे कामाक्षी मंदिर है, कौन शक्ति पीठ। ओके। फिर कुंभारिया के जैन दरअसल जो 1200 साल पुराने। तीन प्लेस करेंगे कवर, तो कैलाश टेकरी एंड टाइम में रखेंगे। ओके। तो कैलाश टेकरी भी हो जाएगा, 4 प्लेस करेंगे। ओके, तो टोटल 4 प्लेस करेंगे और 2 व्लॉग आएंगे अभी, और सारे प्लेस हम कवर कर लेंगे। और भैया कितना कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे जैसा लगेगा। 3 घंटे तो हो जाएगा। ओके। हाँ, तो एक्चुअली में मुझे शूट करना है इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज 2 घंटे में सारे प्लेस। सब दर्शन के लिए जाओगे तो दर्शन के लिए जाते तो 2 घंटा होता है। ओके। घूमने के लिए। ओके। ये तो शूट करना है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, अदरवाइज 2 घंटे में आप ये सारे प्लेस कवर कर सकते हैं। और जनरली क्या प्राइस रहता है वो बता दो, अगर कोई आए ऐसे। हाँ, कोई टूरिस्ट आता है तो हम 400 रुपए लेते हैं पूरा इस साइड का घुमाना। गब्बर साथ घूमना हो तो फिर 500 रुपए लेते हैं। ओके, साइड सीइंग कराना। ओके, और हमारा कितना लेने वाले आप? आपका 350 रुपए। ओके, तो भैया हमसे हमारे साथ 350 लेने वाले हैं, वैसे 400 रुपया होता है। तो चलते हैं भैया। चलो चलो। हाँ, तो पहला प्लेस हम कवर करने वाले हैं वो है कोटेश्वर, और वो अंबाजी मेन टाउन से है 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलते हैं पहले कोटेश्वर। हाँ, तो ये देखिए अंबाजी के नजारे यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ है ना स्टोन का काम बहुत ज्यादा होता है, यानी जो रोहित, यहाँ स्टोन का काम बहुत ज्यादा होता है, जो आरस पार बोलते हैं ना, ये देखिए, ये रहे है ना, आगे आएगा ना पूरा मार्केट। ओके, हाँ, तो ये देखिए सारे मार्बल है, मार्बल की सारी चीजें, और मार्बल जो कोटा स्टोन बोलते हैं वो भी यहाँ बहुत ही बड़ा बिजनेस है उसका, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ लेने के लिए। ये देखिए रोड के दोनों साइड पे यही है सब मार्बल। ये देखिए यहाँ सारे के सारे मार्बल वाले ही है। हाँ, तो ये देखिए सामने सामने सब है ना कोटा स्टोन, यहाँ से निकलता है ये सब, जो स्टोन निकलता है वो मार्बल की खान बोलते हैं इसे, ये वो है देखिए यहाँ से। वाह, तो ये इसको काट के फिर उसमें से फिर मार्बल बनता है। हाँ, तो कोटेश्वर यहाँ से तकरीबन अब 5 किलोमीटर जितना दूर है, लेकिन देखिए हम पूरे पहाड़ के बीचों में से जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर, जो कि एक शिव जी का टेम्पल है। लेकिन व्यू देखिए यहाँ से, पहाड़ों के बीचों बीच में ये शिव टेम्पल है। बढ़िया लग रहा है ये जगह, खूबसूरत है, खूबसूरत यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है। तो चलिए विजिट करते हैं कोटेश्वर महादेव। हाँ तो देखिए यहाँ से ये पूरा गांव है दिख रहा है वो पीछे, कोटेश्वर विलेज। और यहाँ देखिए पार्किंग किया हुआ है, हमारा ऑटो यहाँ पार्क है और ये छोटा सा पार्किंग है। पीछे व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, और यहाँ है टेम्पल। तो चलिए देखते हैं टेम्पल, और यहाँ गोमुख भी है वो भी देखेंगे, जहाँ से स्वयंभू पानी आता है। हाँ तो पहले कर लेते हैं दर्शन, देखिए यहाँ क्राउड भी बहुत है अभी। चलिए ये देखिए अभी यहाँ पूजा चल रही है, पहले देख लेते हैं, आपको दर्शन करवा देता हूँ पहले ये टेम्पल। हाँ तो ये देखिए शिवलिंग कोटेश्वर महादेव। वैसे तो यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे परमिशन दी है। देखिए कर लीजिए दर्शन, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ बोलिए तो, से कोटेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। भगवान कोटेश्वर सर्व माई भक्तों ने मनोकामना पूर्ण करे। हाँ तो महाराज यहाँ हम कोटेश्वर आए, यहाँ हमें महाराज पूरी यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी बता देते हैं। तो महाराज पहले आपका नाम बताइए, उसके बाद यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बता दीजिए। मेरा नाम भरत भाई जोशी है, मैं यहाँ पे मंदिर का पुजारी हूँ, नीचे वाल्मीकि ऋषि का पुजारी हूँ, नीचे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ये कोटेश्वर महादेव स्वयं भू महादेव है, ऐसा बताया जाता है शास्त्र में, बताया भगवान कृष्ण ने यहाँ पे पूजा की है। और वाल्मीकि ऋषि यह तपस्थली जगह है, वाल्मीकि ऋषि पे यहाँ पे तप करते हैं। स्वयंभू कोटेश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बगल में है गौमुख है, ये स्वयंभू सरस्वती बोली जाती है। माँ भगवती जो 60 मुख बताए अपने महाभारतों में, जो पुराणों में बताए हैं, उसका 60 मुख में से उत्तर गुजरात में 2 मुख है, एक मुख कोटेश्वर महादेव और एक सिद्धपुर मातृगया है। मातृगया में मैं तो लुप्त हो गया सरस्वती, लेकिन ये जल चालू रहता है और आगे जाते फिर से जमीन में लुप्त हो जाता है। और सभी की जो आदिवासी लोग हैं, जो इतर कुंभ के लोग हैं, वो यहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं और भगवान कोटेश्वर का सानिध्य में सर्व मनोकामना और शांति और मन की शांति बहुत मिलती है। तो ये जो शिवलिंग है उसकी स्थापना किसने की है, या स्वयं हुए? ये स्वयं भू कोटेश्वर महादेव है, जमीन में से ऑटोमेटिक उसका और पीछे गोमुखी गंगा, गोमुख है, गंगा है। और जो आपने आश्रम बोला, किसका आश्रम बोला? वही पे वाल्मीकि ऋषि की तपस्थली जगह, जो वाल्मीकि ऋषि था अभी है वहाँ कुछ देखिए, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वही पे गौशाला है, वाल्मीकि ऋषि ने जहाँ पे तप किया था उसकी तपस्थली जगह है। देख सकते हैं, और वाल्मीकि ऋषि का महादेव है, महादेव जी का मंदिर है, और लव कुश और सीता माता और लक्ष्मी जी का मंदिर है। राइट, ओके। तो ये यहाँ की हिस्ट्री, थैंक यू महाराज, और जो धन्यवाद जल। हाँ तो अब हम चलते हैं गोमुख देखने के लिए, जहाँ से वो स्वयंभू पानी निकलता है वो जगह। और यहाँ अभी काम चल रहा है, देखिए यहाँ सब पानी के कुंड बन रहे हैं, यानी वहां से पानी आएगा और वही पानी में आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। रोहित तो अभी वो रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अच्छे कुंड बन रहे हैं देखिए। और वहाँ है गोमुखी गंगा, फेस बहुत ही अच्छा है। और अगर हमारा ऑटो वाला ले जाएगा तो हम वो आश्रम भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि उससे बात हुई नहीं थी वो आश्रम के बारे में, अगर वो ले जाए तो वो प्लेस भी देख लेंगे। और यहाँ से व्यू देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है और ये पानी आ रहा है, वही स्वयंभू पानी आगे से आ रहा है। अब आगे क्या देखने लायक है वो मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ गोमुख जैसा बनाया हुआ है या पानी आगे से पहाड़ में से ही आ रहा है, लेकिन आगे जाने का रास्ता बंद है। हम ट्राई करते हैं, अगर जा पाए तो आगे आपको जाके दिखा दूंगा, या फिर ड्रोन शॉट लेने का ट्राई करते हैं ना, ड्रोन शॉट से शायद थोड़ा दिखेगा कि आगे क्या है।
तो ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट का, लेकिन ये है ऐसा, देखिए ये। ये देखिए छोटा सा टेंपल है और अंदर छोटी सी केव भी है। छोटी सी केव है भी अंदर है। हाँ तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं, छोटी सी केव है, उतनी बड़ी नहीं है। चल आ जा रोहित, धीरे से आना, देख संभालना। ओके, सरस्वती माता का टेंपल है, ये सरस्वती माता की मूर्ति है और ये केव है, छोटी सी केव है, दर्शन कर दो। चलो रोहित और फिर चलते हैं। हाँ तो वो गोमुखी गंगा जो है वो थोड़ा आगे जाके हम देखने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम ऊपर आ गए, यहाँ से पीछे से ऊपर आए और वहाँ जाके ट्राई करते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं और थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए ऐसी जगह है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ रिनोवेट हो रही है। ये रही गोमुखी गंगा वहाँ, और थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, वहाँ से आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो भाई रोहित, हाँ यहाँ से ऊपर जाके ऊपर से अच्छा व्यू मिलेगा। ये रहा, यहाँ से पानी आता है, दिख रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं रोहित। ये देखो, ओके आगे से ऐसे ही पानी आ रहा है पहाड़ में से। ये देखो, और यहाँ से व्यू देखो मंदिर का। रोहित कैसा लगा जगह भाई? चलो यहाँ एक ड्रोन शॉट लेने का ट्राई करेंगे। तो कोटेश्वर महादेव के दर्शन हमने कर लिए, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये और बहुत ही बढ़िया ड्रोन शॉट भी हमने लिया। और एक प्लेस ये है यहाँ जो वो महाराज ने बताया था, वो कौन सा आश्रम है भैया? वाल्मीकि आश्रम। तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं ये व्लॉग खत्म करूंगा। तो चलिए भैया चलते हैं वाल्मीकि आश्रम। हाँ तो अब मैं पहुंच चुका हूँ वाल्मीकि आश्रम, और ये बहुत दूर नहीं है कोटेश्वर टेम्पल से, कोटेश्वर विलेज में है ये, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये अंदर टेम्पल है, पीछे ये भी कोई टेम्पल है पुराना, पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल है। तो ये देख लेते हैं पहले, हनुमान दादा, ये हनुमान जी का टेम्पल।
वाह खूबसूरत मूर्ति है भगवान की, जय हनुमान दादा। और यहाँ पीछे यह आश्रम है। हाँ तो यहाँ एक केव भी है, वाल्मीकि जी की केव, और ये टेम्पल है पीछे, और यहाँ केव है। पहले केव में जाते हैं फिर टेम्पल में आपको दिखा देता हूँ। यह लिखा हुआ है आदि कवि ऋषि श्री वाल्मीकि जी की गुफा। तो ये चलते पहले गुफा देखते हैं। ये वाल्मीकि जी की तपस्थली है। ओहो ये देखिए बाहर का व्यू। यहाँ से अंदर जाना है, चलते हैं अंदर। ये देखिए वाओ एकदम शांत और छोटी सी गुफा है, छोटी सी केव है। और ये वाल्मीकि जी का स्टैचू है। जय भगवान। ये देखिए कितनी छोटी है, यानी यहाँ वाल्मीकि जी तप किया करते थे। ये जगह पे देखिए छोटी सी है। चलते हैं बाहर जाके टेम्पल दिखा देता हूँ। टेम्पल है और यहाँ गौशाला भी है, वो देखेंगे। सामने ही टेम्पल है, देखिए छोटी सी केव है। और ये आजू बाजू का यहाँ देखिए जगह कैसी है। तो चलिए देखते हैं ये टेम्पल, शिव टेम्पल लग रहा है मुझे, शिवलिंग ही है। बहुत ही बढ़िया। और एक दूसरा यहाँ है, यहाँ लिखा है फोटो खींचना मना है लेकिन कोई है नहीं। ये देखिए शिवलिंग, वाह खूबसूरत देखिए। और बाजू में जो टेम्पल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखिए बहुत ही पुराना टेम्पल लग रहा है, ये जगह बहुत पुरानी है। माता जी की मूर्ति है यहाँ, वाह। और पीछे के साइड मेरे ख्याल से गौशाला भी है। यहाँ पीछे या इस साइड पे है गौशाला। हाँ तो ये व्लॉग मैं यही खत्म करता हूँ। आपने ये देखा ये व्लॉग में कोटेश्वर, जो कि वर्थ विजिट प्लेस है, अंबाजी से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वर्थ विजिट है। और ये वाल्मीकि आश्रम भी आप देख सकते हैं, गोमुखी गंगा, कोटेश्वर टेम्पल और वाल्मीकि आश्रम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सौमिल द ट्रैवलर्स।